नमस्कार, मेरे रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं जो आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है छेना खीर। छेना खीर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। तो इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने दूध लिया है। दूध मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, जिसमें से मैंने 1 लीटर दूध खीर बनाने के लिए लिया है और जो 1/2 लीटर दूध है वो मैंने छेना बनाने के लिए लिया है। और इसके अलावा मैंने चीनी लिया है और लेमन जूस लिया है। सबसे पहले क्या करना है, जो 1 लीटर दूध है उसको हमने गर्म करने के लिए गैस पे चढ़ा लेना है। ये खीर बनाने के लिए मेरा दूध उबल रहा है, इसको मैंने ऐसे ही बॉयल करते रहना है जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। इधर मैंने छेना बनाने के लिए जो 1/2 लीटर दूध लिया था वो भी उबल रहा है, तो उसको अब ये उबल चुका है। मैंने इसको गैस को बंद कर दिया है और अब इसको थोड़ी सी देर के लिए ठंडा होने देना है। उसके बाद में मैंने इसका छेना तैयार कर, थोड़ा सा दूध को ठंडा कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर लेमन जूस बनाना है और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालना है जबकि हमारा छेना अच्छे से रेडी हो जाए। दूध अच्छी तरह से फट चुका है, ये देखिए। अब मैंने इसको छेने को अलग और इस पानी को अलग कर लेना है, जिसके लिए मैंने एक सूती कपड़ा लिया है और छलने लिए है और इसके अंदर मैंने अब इसको डाल लेना है अच्छे से। छेने को इसके अंदर डालना है छलनी के अंदर। ये देखिए, और हमने इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से पकड़ के इसका जो एक्सेस वाटर है उसको निकाल देना है। इसके अंदर मैंने एक ठंडे पानी का गिलास भी डाला है, जो हमारे इसके अंदर जो लेमन का जूस है वो अच्छी तरह से इसके अंदर से निकल जाएगा और खट्टापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा छेने के अंदर। इसके अंदर एक गिलास ठंडे पानी का डाल रही हूँ। इसके डालने से जो इसका खट्टापन है लेमन का वो अच्छी तरह से इसके अंदर से निकल जाएगा और छेना बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। इस तरह से इसको निचोड़ लेना है और इसको मैंने 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। हमारा छेना सेट हो रहा है, तब तक ये खीर बनने के लिए जो मैंने दूध रखा था वो बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है और इसको हमने गाढ़ा जब तक नहीं हो जाता अच्छी तरह से तब तक इसको हमने बॉयल करते रहना है। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, नॉर्मल गाढ़ा करना है। तो मैं आपको बीच बीच में से आप इसको हिलाते रहिए। ऐसे 20 मिनट तक मैंने छेना रखा था, ये देखिए छेना बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और जो इसका एक्सेस वाटर था वो अच्छी तरह से बाहर निकल चुका है। जो इसका जो मैंने पानी निकाला था आप उसको किसी में भी यूज़ कर सकते हो। आप उसको आटा गूंदने में, दाल में, खिचड़ी में, आज मैंने उसको खिचड़ी के अंदर डाला है। वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है और खाने में भी वो बहुत जिसके अंदर आप डालोगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैंने इस सारे छेने को अच्छी तरह से इसको मतलब इसको नरम करना है, जिसमें हमें 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको अच्छी तरह से इसको नहीं मिक्स करेंगे तो ये हमारा छेना बनकर अच्छी तरह से रेडी नहीं होगा। तो इसलिए हमने इसको एक हाथ से इसको तब तक करना है जब तक कि इसका एक नरम डो रेडी नहीं हो जाता। देखिए, मैं इसको एक हाथ से ऊपर की तरफ मसल रही हूँ क्योंकि इसी से ही हमारा छेना बिल्कुल नरम होगा, जिससे कि हमारे छेने जो बनेंगे वो नरम बनेंगे और अच्छे बनेंगे। नहीं तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं बनेंगे और ये बीच में से टूटने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इसको 5 से लेकर 10 मिनट तक एक हाथ से अच्छी तरह से इसको एक नरम डो रेडी करना है। ये हमारा डो छेने के लिए बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए। अब हमने इसमें से थोड़ी छोटी छोटी लोई लेनी है और उसको ऐसे दोनों हाथों के बीच में लेके गोल आकार में बनाना स्टार्ट करना है। बिल्कुल छोटा लेना है लोई, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी क्योंकि ये पानी के अंदर जब जाएगी तो ये अपने आप ये बड़ा आकार ले लेगी। तो इसी तरह से हमने सारी लोई बनाकर रेडी करनी है।
छेना बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैंने इनको डालने के लिए मैंने पानी गर्म कर लिया है एक कढ़ाई के अंदर, और मैंने 4 टेबलस्पून इसके अंदर चीनी ऐड की है। चीनी हुए घुल जाने के बाद में हमने जो गैस का जो लो फ्लेम पे नहीं करना है, इसको फुल फ्लेम पे ही इसको पानी को उबालना है। और इसके अंदर मैंने, अब ये देखिए पानी बॉईल होने लग गया, अब इसके अंदर मैंने जो छेना रेडी करे हैं वो एक एक करके डालने हैं, और 15 मिनट तक इसको, 15 से 20 मिनट तक हमने इसको ढककर छोड़ना है, क्योंकि तब तक हमारे ये छेना बनकर इसके अंदर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये देखिए ये मैंने सारे छेना इसके अंदर डाल दिए हैं, और इसको 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया है। और इधर हमारा दूध है जो वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने जो चीनी डालनी है वो डाल देती हूँ। इसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने चीनी ऐड की है, और इसको मैंने दूध के अंदर मिक्स कर दिया है। अभी हमें थोड़ा सा और दूध को गाढ़ा करना है, क्योंकि इसके अंदर गाढ़ा करने से ही ये हमारी छेना खीर है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसके अंदर आप कुछ भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो, आप इसके अंदर वो काजू, बादाम, किशमिश वगैरह आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं छेना को चेक करती हूँ। ये देखिए ये छेना बनकर हमारे बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। आप इसको किसी भी आकार में बना सकते हैं, छोटे या बड़े। मैंने थोड़ा सा बड़ा आकार लिया है छेना का, तो आप इसको किसी भी आकार में ले सकते हो। और इधर हमारा ये दूध था वो भी क्वांटिटी में बहुत थोड़ा रह चुका है, तो अब हमने क्या करना है कि इसको, अगर आप इसको और गाढ़ा करना चाहते हो तो आप इसको और गाढ़ा कर सकते हो, और अगर आप इसके अंदर केसर मिलाना चाहते हो तो आप इसको केसर भी मिला सकते हो, पर मैं इसके अंदर केसर नहीं मिला रही हूँ। तो अब हमने छेना को कढ़ाई में से बाहर निकालना है। छेना को कढ़ाई में से बाहर निकाल रही हूँ। इसी तरह से हमने इन सारे छेनों को बाहर निकाल देना है। वो क्वांटिटी में बहुत थोड़ा रह चुका है, अब इसके अंदर मैं छेने को मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए अब इसको 5 मिनट तक इसको इसी तरह से स्लो फ्लेम पे उबलने के लिए छोड़ दो। मैंने ढककर 5 मिनट के लिए इसको पका लिया है। छेना खीर हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये सर्विंग के लिए रेडी है। इसको मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, और ठंडा होने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। खीर हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।